हे माय बटरफ्लाई, कैसे आप सब? गुड। BTS के बॉडीगार्ड सुपर फेमस है, उनका खुद का एक फैंडम बन सकता है, खासकर इनका लुकिंग बॉस। हम देखेंगे कुछ कमाल के बॉडीगार्ड जो BTS को बड़े शानदार तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। एक लड़की जिमिन को छूने के लिए भाग के आती है, पर ये बॉडीगार्ड उसे पकड़ के पीछे फेंक देंगे। मस्त लगता है ये एक्शन, सही है, सीधे पकड़ के पीछे फेंक दो। ये भी कुछ ऐसा ही था। ये गर्ल जंगकुक के पास आने वाली थी, पर बॉडीगार्ड ने इसे भी डॉल की तरह उठा के पीछे कर दिया। थ्योंगी, ये फैन तो लग नहीं रहा, पपराजी होगा शायद। सही कैच किया गार्ड ने, सही पकड़ा। वाह, ये जेहोप की सिक्योरिटी, ऐसा लग रहा है जेहोप स्टेज पर नहीं बॉक्सिंग करने जा रहे हैं। वाइट कपड़ों में जेहोप है और बाकी सब सिक्योरिटी। जेहोप माफिया बॉस की तरह आते हैं। JK की कार, ये अमेरिका में है शायद। हाँ शो खत्म करने के बाद ये गार्ड बोल रहा है कार बहुत दूर खड़ी की है, पास में खड़ी करो, गेट के सामने लेके आओ कार को, ताकि JK सीधे डायरेक्ट कार के अंदर बैठे। अब तुम कितने भी सिक्योरिटी कर लो, JK को अपना ही करना है, देखना। हम JK को अच्छे से जानते, वो डायरेक्ट कार में तो नहीं बैठेंगे। अपनी तरफ से तो सिक्योरिटी ने पूरा इंतज़ाम किया है कि चलो कार को इतना पास लगाओ कि JK डायरेक्ट आके कार के अंदर बैठे, पर JK तो JK हैं। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, मुझे पता था ये लटकेंगे। और ये हमने पहले देखा था, याद है? जेहोप की सिक्योरिटी ने इस गर्ल को धक्का दिया था जो सीधा डस्टबिन से जाके गिरी थी। यह बॉडीगार्ड बैकी जी जेहोप से मिलने आई, वो साइड में डायरेक्ट खड़ा हो गया। भाई बैकी जी सेलिब्रिटी है, उस पर भी भरोसा नहीं है क्या? जेहोप को कंफर्टेबल देखकर वो भी बैठ गई। अब मुझे तो ये बॉडीगार्ड कमाल का लगता है, नजर देखो उनकी, हो इज क्यूट। ये अपना काम पूरी लगन से करते हैं, ये सच में क्यूट और बॉस दोनों लगते हैं। देखा, बैंक पीढ़ी को इनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। ओह, लगता है जिमिन मुसीबत में है। ये सही कर रहा है, कैमरा और फैंस दोनों को ही सीधा पूरी फोर्स के साथ हटा दे रहा है। और इसने तो न्यूज़ चैनल के कैमरे को भी पीछे कर दिया। JK ने कुछ देर के लिए सिक्योरिटी को डरा दिया था, JK यहाँ सिर्फ डांस कर रहे थे। नीचे गार्ड को लगा JK गिरने वाले हैं। तुम क्या कैच करते फिर? सेम ऐसी शुगा ने भी, शुगा की वजह से भी उनका गार्ड कुछ देर के लिए डर गया। शुगा सिर्फ इन अंकल से हाथ मिलाना आए थे, बाकी फीमेल फैंस ने शुगा का हाथ ही खींच लिया, जिससे उनके सिक्योरिटी गार्ड थोड़े डर गए। गार्ड ने सोचा होगा शुगा का हाथ कहीं ज़्यादा तेज से ना खींच दिया हो। नो पैंट गर्ल जो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे BTS के साथ ही आ रही है, मुझे तो अब तक इसका दिमाग समझ में नहीं आया, ऐसा करके होता क्या? भले ही ये BTS के साथ बाहर निकल जाती, पर उसके बाद क्या? इस साइड में जो बॉडीगार्ड खड़े हैं, दीवार की तरह खड़े हो गए फैंस के आगे। ये वही लग रहे हैं ना जो अभी जिमिन के साथ थे। ये हांगकांग के एयरपोर्ट स्टाफ वाले, चेन बना ली इन्होंने पूरी, और डर रहे होंगे ना कहीं हमारे एयरपोर्ट पर BTS को कुछ हो ना जाए, इसलिए सारा स्टाफ BTS की सिक्योरिटी में लग गया।
वो ये बाढ़ आ गई क्या? ये ग्रे टी शर्ट वाले सामने बॉडीगार्ड बिना देखे ही धक्का दे दे रहे हैं। बॉडीगार्ड और मैनेजर के बिना बीटीएस ऐसे हो जाते हैं। ये जेहोब एक बार बिना मैनेजर और बॉडीगार्ड के एयरपोर्ट गए थे, ऐसे कंफ्यूज होकर यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ घूमते रहे। आरएम भी बिना बॉडीगार्ड के सफ़र कर रहे थे। बीटीएस जब पर्सनल काम से कहीं बाहर जाते हैं तो वो बॉडीगार्ड वगैरह साथ नहीं ले जाते, यू नो, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अकेले टाइम बिताने के लिए। बॉडीगार्ड बनने के लिए सिर्फ स्ट्रांग बॉडी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि स्ट्रांग माइंड और शार्प आइज की ज़रूरत होती है। एक तो गलती, ऊपर से एटीट्यूड। जेहोब के सिक्योरिटी गार्ड को तो फैन से ज़्यादा खुद जेहोब खुद को चोट ना पहुंचा दे उसकी चिंता रहती है। आगे आगे बचा लिया टकराने से। यहाँ जेहोब गिरने वाले थे। क्रेजी फैंस के अलावा ऐसी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। जेहोब तो सुनते ही नहीं है सिक्योरिटी की। गार्ड साइट में जाने को बोल रहे पर जेहोब अपने वर्ड में। बॉडीगार्ड को सुगा के साथ कोई परेशानी नहीं होती होगी। एक तो सुगा इतनी तेज तेज चलते हैं, दूसरा सुगा 2 मिनट रुकते भी नहीं है हाई हेलो करने के लिए। जेके के साथ हमेशा इस गार्ड को भेजा करो, ये जो हेल्दी मैन है। देखा दोनों हाथों से कितने फैंस को रोक के रखा है, बहुत सारे फैंस को संभाल के रखा उसने। हाँ दे दो, दे सका। ये कैसे तिरछी नजर से देख रहे हैं फैंस अब सुगा को छोड़ के उनके बॉडीगार्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओहो सर जी, बॉस हंसते भी हैं। सुगा का कॉन्सर्ट, पता नहीं क्या देख लिया ऐसा जिसने इन सीरियस रहने वाले बॉडीगार्ड को हंसने पर मजबूर कर दिया। ये गर्ल, इसने मूछे लगाई है। खैर ये तो मजाक की बात थी। हाँ पर बॉडीगार्ड बनना बहुत मुश्किल काम है, खासकर सेलिब्रिटी लोगों का। उनके लाखों फैंस जो हैं कॉन्सर्ट में, एयरपोर्ट में, पता नहीं क्रेजी फैंस किस हद तक नीचे गिर जाएं और पता नहीं क्या क्या काम करें, उनके दिमाग का कुछ पता भी नहीं है। बीटीएस के बॉडीगार्ड तो अपने आप में फेमस हैं। इन बॉडीगार्ड के बाल तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं सच में। सर जी कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो? मजाक था। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।